हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जो है एलटी एंड 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग। इस चैनल के थ्रू आप लोगों को पता ही है कि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को प्रोटोकॉल पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप उन सब दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों, ताकि मैं इन फ्यूचर में आपको और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छी नॉलेज की वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है लॉग एनालिसिस, जिसमें हम बहुत ही बेसिक से लॉग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। जैसे हम MIB की कंटेंट को देखेंगे, SIB1 के कंटेंट को देखेंगे और SIB2 के कंटेंट को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MIB के कंटेंट को देखेंगे दोस्तों। तो हमारे पास एक लॉग फाइल है दोस्तों, जिसको हम ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और हम क्या क्या इससे देख सकते हैं। यहाँ से सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आप चाहें तो किसी भी MIB में ये कंटेंट रहना जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखें और इसे समझने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस MIB के कंटेंट को देखेंगे, इसमें आप लोगों को क्या चीजें दिख रही हैं कि सबसे पहले ये ऐसे ही लॉग फाइल्स रहते हैं दोस्तों, जिसमें हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो हमने पढ़ा था कि MIB कंटेंट्स डाउनलिंक बैंडविथ। तो दोस्तों, ये डाउनलिंक बैंडविथ है, इसको देखिए N6, ये N15, N25, N50, N75, N100। ये N क्या है दोस्तों, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक है दोस्तों। अगर ये नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक 100 है, इसका मतलब ये बैंडविथ जो है 20 MHz बैंडविथ है। अगर ये दोस्तों 75 है, दैट मीन्स ये 15 MHz दोस्तों है, ये 10 MHz, ये 5 MHz, ऐसे करके दिया हुआ। मतलब अगर आपको कहूँ दोस्तों, तो ये DL बैंडविड्थ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 20 MHz, 15 MHz, 10 MHz, ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं आता है दोस्तों। ये इन इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स ब्लॉक रहते हैं। तो 100 रिसोर्स ब्लॉक मतलब 20 MHz। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी कुछ टेस्टिंग कर रहे, जो मान लीजिए कि आपको 20 MHz बैंडविड्थ आपने ऑपरेटर के एंड पे डिफाइन करके रखा है, तो ऑपरेटर MIB सेंड करता है UV को, तो आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि आपने जो बैंडविड्थ डिफाइन किया है, वो ऑपरेटर करेक्ट सेंड कर रहा है कि नहीं थ्रू MIB। तो ये चीज आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम सिस्टम फ्रेम नंबर, जो कि MIB के अंदर में आता है, तो सिस्टम फ्रेम नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आप यहाँ पे सिस्टम फ्रेम नंबर 396 है, तो ऐसे सिस्टम फ्रेम नंबर आपका वैरी हो सकता है, तो उसको उतनी टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ भी एक कुछ वैल्यू हो सकता है। और ये स्पेयर बिट जो है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बिट है जो इन फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है, जो 10 बिट का होता है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो दोस्तों ने MIB की कंटेंट नहीं देखी है, मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे जाए, उस वीडियो को देखे, उसके बाद इस एनालिसिस को देखे, तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। MIB 24 बिट का होता है, जिसमें से डाउनलिंक बैंडविड्थ 3 बिट का होता है। ये 3 बिट का होता है दोस्तों, सॉरी, ये 8 बिट का होता है दोस्तों, और ये 3 बिट का होता है। तो 336 और ये 8, 14 और ये 10, तो 24 बिट का MIB होता है दोस्तों। ये PHICH कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। ये बेसिकली एक चैनल होता है जिसमें जो ACNAC भेजने के काम आता है। तो अभी अभी के लिए आप MIB में सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है दोस्तों, वो आप बैंडविथ को एनालाइज कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद आप सिस्टम फ्रेम नंबर देख सकते हैं, जो कि कुछ भी एक रैंडम वैल्यू हो सकता है, और ऑपरेटर सॉरी नेटवर्क अपने हिसाब से वो वैल्यू को सेंड करता रहता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट की दोस्तों, जो है कंटेंट की दोस्तों, जो है हमारा SIB1 दोस्तों। MIB 1 में उतनी भी चीजें नहीं है जो एनालाइज करने की जरूरत है, बट आप बैंडविथ को डेफिनेटली वहां से एनालाइज कर सकते हैं। बट दोस्तों, SIB1 एक ऐसा इंफॉर्मेशन एलिमेंट होता है जिसमें आप बहुत सी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। तो SIB1 का कंटेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIB1 है। कैसे समझेंगे दोस्तों कि ये SIB1 है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये SIB1 है। यहाँ से देखिए, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक 1 लिखा हुआ है दोस्तों, कैप्स लेटर में, सॉरी इन फुल वे में लिखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्या कंटेंट करता है। तो सबसे पहले जो मैंने SIB1 पे वीडियो बना के रखा है दोस्तों, वहां आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि वो सेल एक्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल एक्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब सेल एक्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं दोस्तों, तो वो है
PLMN आइडेंटिटी, और PLMN आइडेंटिटी के अंदर में दोस्तों क्या क्या है, MCC है और MNC है दोस्तों। तो आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि यहां का जो लॉग फाइल है उसकी जो MCC है वो 001 है, और दोस्तों इसकी जो MNC है वो 201 है। तो ये दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि ये 3:3 के फॉर्म में भी हो सकते हैं, 3:3 के फॉर्म में हो सकते हैं। तो बेसिकली ये 3:3 के फॉर्म में रहते हैं हमारे इंडिया के लिए दोस्तों। ये यहाँ पे 4:2 के फॉर्म में दिखाया गया है, क्योंकि ये लॉग फाइल जो कंटेंट है ये कहीं ऐसे ऑपरेटर का है जो MCC 4 डिजिट का डिफाइन करके रखा है, बट जनरली हमारे लिए 3:3 डिजिट का होता है। तो दोस्तों ये कब हमें देखना है कि ये कब हम एनालाइज करेंगे कि ये MCC MNC करेक्ट है कि नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आप जो सिम कार्ड अपने मोबाइल में लगा के रखे हुए हैं उनकी एक MCC और MNC होती है। अगर ऑपरेटर का MNC जो सेंड कर रहा है सिम कार्ड को, और वो MCC और MNC और आपके सिम कार्ड में जो स्टोर MCC और MNC है वो अगर करेक्ट नहीं है दोस्तों, तो यूवी आपका कभी भी नेटवर्क के साथ कैंप नहीं हो पाएगा दोस्तों। वो MCC MNC यूवी जो ऑपरेटर MCC MNC यूवी को सेंड कर रहा है वो एटलीस्ट यूवी के लिस्ट में होनी चाहिए दोस्तों, तभी यूवी कैंप होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कभी भी आपका अगर यूवी कभी भी नेटवर्क से लैच नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप लॉग में SIB1 में MCC MNC चेक करिए कि ऑपरेटर सही MCC MNC भेज रहा है कि नहीं, और आपको पता होनी चाहिए कि आपके यूवी की MCC और MNC क्या है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है सेल रिजर्व फॉर ऑपरेटर यूज, ये मैंने आप लोगों को बताया है अपने कंटेंट में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये नॉट रिजर्व है। अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जांपल दूं दोस्तों, तो कुछ लोग हैं जो टाइप टेस्ट करते हैं, तो कहीं कहीं पे टेस्टिंग के टाइम पे क्या होती है दोस्तों कि सेल को रिजर्व करके रखा जाता है ताकि जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो ड्राइव कर ले, ताकि उसको अच्छे से थ्रूपुट मिल जाए और वो सबमिट कर सके दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी वो लॉग फाइल ऑपरेटर चेक करता है वो उनको यहीं से पता चल जाती है कि ये रिजर्व करके ड्राइव किया हुआ है कि नहीं। अगर ये दोस्तों ट्रू है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये रिजर्व करके ड्राइव की गई है, या उस सेल पे लॉक करके ड्राइव की गई है आप कह लो। अगर लॉक होने का मतलब है दोस्तों कि नॉर्मल यूजर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे एनालिसिस के एंड से ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फील्ड वालों के लिए दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रैकिंग एरिया कोड की। तो ट्रैकिंग एरिया कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक सेल की ट्रैकिंग एरिया कोड होती है, तो जो कि जरूरी है दोस्तों। ये ट्रैकिंग एरिया कोड भी बहुत सारे ऐसे केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर आप कभी भी किसी हैंडओवर की किसी एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद होना, ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा मेरे ट्रैकिंग एरिया कोड वो हमेशा सही रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हैंडओवर फेल्योर होता है ट्रैकिंग एरिया कोड की वजह से दोस्तों। सेल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। सेल बार्ड नॉट बार्ड और बार्ड, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर ये सेल बार्ड है तो आप उस सेल को एक्सेस नहीं कर सकते, अगर ये सेल नॉन बार्ड है नॉट बार्ड है तभी आप इस सेल को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ये भी आप अगर आप कभी नेटवर्क से अटैच नहीं हो पा रहे हैं तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सेल कहीं बार्ड तो नहीं है, तो आप इसे ऑपरेटर के एंड से इनेबल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है, ऑपरेटर भेज रहा है यूवी को। तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी दोस्तों इन फ्यूचर, अगर आपको कहीं जॉब लगता है और ये सब प्रॉब्लम आती है तो। इंट्रा फ्रीक्वेंसी रीसिलेक्शन अलाउ है कि नहीं, यहाँ से भी आप अगर आप कभी भी कोई भी एक इंट्रा फ्रीक्वेंसी रीसिलेक्शन का अगर कर रहे हैं, बेसिकली रीसिलेक्शन में ये चीज अलग से रोल प्ले करती है, बट अभी के लिए आप जान के रखिए कि इंट्रा फ्रीक्वेंसी रीसिलेक्शन, इंट्रा फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, रीसिलेक्शन उस सेल पे अलाउ है कि नहीं वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं दोस्तों। CSG इंडिकेशन, CSG आइडेंटिटी हमें जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है दोस्तों ये है सेल सिलेक्शन इंफॉर्मेशन। सेल सिलेक्शन इंफॉर्मेशन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि QRX लेवल मीन होता है, ये एक मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आप कभी किसी सेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या एक और टर्म है जो आपको चेक करना चाहिए, दैट इज QRX लेवल मीन। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई सेट कर दी गई है, आई मीन मान लीजिए कि इसकी वैल्यू
-65 से मान लीजिए कि इसकी वैल्यू हमने -90 कर दिया, ठीक है, तो ये सब कंडीशंस में क्या होगा दोस्तों कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वैल्यू एक प्रॉपर, सो आइडियल इसकी वैल्यू -65 टू -75 होती है, ये भी आपको याद रखने के ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। क्यूआरएस लेवल मीन ऑफसेट मैंने बताया था, जिनको नहीं पता है ऑफसेट वो मेरे SIB1 के कंटेंट को जाकर देखें, ये क्या है, कैसे सेल सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां से आप उसको देखें और समझें। टी मैक्स एक टर्म है दोस्तों, जो मैक्सिमम पावर है यूवी का, दैट इज 22 dB या 23 dB तक होता है दोस्तों, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों आप कौन से बैंड से, ये कौन सी बैंड की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है, बैंड 1 बैंड 3 क्या है, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी जो सबसे सब इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं हर टर्म को बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, एकदम बेसिक है ये एनालिसिस का। धीरे धीरे हम आगे भी और भी एनालिसिस पे वीडियो बनाते रहेंगे, जो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि शेड्यूलिंग इन्फो कंटेंट करता है SIB1 दूसरे SIBs का, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि शेड्यूलिंग इन्फो एक लिस्ट 3 है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी SIB टाइप क्या है, 5 है, 3 है, तो ये इनकी शेड्यूलिंग कब कराएगा, 32 रेडियो फ्रेम के बाद, मतलब 320 मिलीसेकंड के बाद इसकी शेड्यूलिंग होगी, RF 64 मतलब 640 मिलीसेकंड के बाद इसकी शेड्यूलिंग होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको एनालाइज हम लोग बहुत कम ही करते हैं कि ये कैसे शेड्यूलिंग करता है, बट ऊपर के जो भी पैरामीटर्स आपने देखे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत सी चीजें ऐसे मिल जाएंगी, कभी अटैच फेल्योर का एक प्रॉब्लम आती है अगर आप फेस करते हो, तो ये बेसिक चीजें जरूर से जरूर चेक कर ले दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों SIB2 के बारे में, कि हम SIB2 में क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हैं। SIB2 ऐसा एक कंटेंट है दोस्त जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है एक यूवी को नेटवर्क के साथ अटैच होने में। इसके अंदर में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से उस चीज को एनालाइज करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम SIB2 में क्या क्या कंटेंट है उसको क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, और किस किस इस किस किस इशू पे हम इसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों कि ये SIB2 का कंटेंट है, तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि SIB2 है, तो आपको यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं कि SIB2 लिखा हुआ है, राइट। तो जिन लोगों ने SIB2 की वीडियो नहीं देखी है, वो सबसे पहले देख लें कि SIB2 क्या क्या कंटेंट करता है। जो जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हम उसी चीज पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वही टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि हम जो जो चीजें हैं वो रेडियो रिसोर्स कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में दोस्तों, हम लोगों ने रैच कॉन्फ़िगरेशन कॉमन यहाँ पे है। अब मैंने बताया था कि रैच कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में प्रियम्बल इन्फो रहते हैं, लाइक कितने प्रियम्बल्स है, नंबर हाउ मेनी प्रियम्बल्स आर अवेलेबल, सो नंबर ऑफ RA प्रियम्बल्स यहाँ पे, नंबर ऑफ RA प्रियम्बल्स जितने हैं दोस्तों 40 है। यहाँ पे एन मतलब रिसोर्स ब्लॉक नहीं है, नंबर बता रहा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ये बता रहा है कि साइज ऑफ RA प्रियम्बल्स ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए में जो प्रियम्बल्स हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो 32 हमने ग्रुप ए में प्रियम्बल्स रखा हुआ है, और इसकी जो साइज है वो कितनी है, वो 144 बाइट की है साइज। तो मैसेज पावर ऑफसेट ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो दोस्तों ऑफसेट है प्रियम्बल्स पे वो कितना है, 10 dB का है दोस्तों। तो आपको यहाँ से सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रियम्बल्स कितने हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रियम्बल्स हैं यूवी रैंडमली उससे किसी एक को चूज करके रैच इनिशिएट कर सकता है दोस्तों। जिन दोस्तों के बारे में रैच का नॉलेज नहीं है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं रैच पे वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप मेरे SIB1 SIB2 के कंटेंट पे जाके, वहां मैंने थोड़ा सा रैच के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देखिए और उससे थोड़ा सा आइडिया करके आप इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि आपसे हर इंटरव्यू में रैच के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्त बात करते हैं दोस्तों हम पावर रैंपिंग स्टेप्स के बारे में, या पावर रैंपिंग पैरामीटर्स के बारे में। तो पावर रैंपिंग स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है DB2। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर रैंपिंग स्टेप एक ऐसा स्टेप है, या ऐसा एक प्रोसेस यूज किया गया है LT में, कि मान लीजिए आपने एक बार
आपका यूवी एक बार रैच इनिशिएट किया नेटवर्क से अटैच होने के लिए और वो रैच फेल हो गया, तो यूवी क्या करेगा? तो वो सेकेंड टाइम फिर क्या करेगा कि जब रैच इनिशिएट करेगा ना, तो वो उसका जो डेफिनेटली यूवी को कुछ मैसेज भेजने के लिए पावर लगेगा, राइट? तो वो जिस पावर से पहले रैच इनिशिएट किया था ऑपरेटर को या एनोड बी को भेजा था, उसका पावर 2 dB करके बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि पहले ये, अच्छा चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि प्रियम्बल इस इनिशियल रिसीव टारगेट पावर जिसकी वैल्यू है -104 dB। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि यूवी इसी पावर को यूज करके रैच इनिशिएट करता है। नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पे इस चीज के क्लियर रहना है, इनिशियल रिसीव टारगेट पावर ऑपरेटर यानी कि इनोड भी यूवी को बताता है कि तुम इस पावर को यूज करके अपना पावर कैलकुलेट करो और उस पावर से तुम रैच इनिशिएट करो दोस्तों। तो ये -104 यूज करके यूवी पावर कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो रैच इनिशिएट करता है। अब मान लीजिए कि वो इसने यूज करके एक पावर कैलकुलेट किया जो पावर था मान लीजिए -22 dB, ठीक है दोस्तों। अब वो जब रैच इनिशिएट हुआ तो -22 dB के साथ पावर के साथ रैच इनिशिएट हुआ था। अब वो दोस्तों क्या हुआ कि वो रैच फेल हो गया दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों वो क्या करेगा कि 2 dB अपना पावर इंक्रीज करेगा। फॉर सपोज -22 dB पे अगर वो रैच इनिशिएट कर रहा था, तो अब उसमें वो -22 dB +2 dB करेगा। अब वो नेक्स्ट पावर जो इनिशिएट करेगा वो -20 dB पे करेगा। तो इस तरह से वो जब जितनी बार रैच फेल होगा वो उस तरह से रैच पावर इंक्रीज करके रैच इनिशिएट करता रहेगा। तो ये है पावर रैंपिंग स्टेप दोस्तों, ये मैंने बता दिया। ये दोस्तों है प्रियम्बल ट्रांस मैक्स, मतलब कितनी बार वो प्रियम्बल को ट्रांसमिट करेगा। अगर रैच रैच फेल हो रहा है तो वो क्या हमेशा करता ही जाएगा? नहीं, तो वो कितनी बार करेगा? वो 10 बार करेगा। आर ए रिस्पॉन्स विंडो साइज SF10, मतलब सब फ्रेम 10, मतलब 10 मिलीसेकंड का एक विंडोज ओपन होता है दोस्तों। उस विंडोज के अंदर में रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स क्या है कि जब भी यूवी में रहा रैच इनिशिएट करता है तो उसका एक रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स जो होता है वो 10 मिलीसेकंड में होता है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि LTE में हर एक चीज टाइमर पे डिपेंडेंट होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझे कि हर चीज कुछ ना, जो भी मैसेज जा रहा है आ रहा है वो कहीं ना कहीं कोई टाइमर उसको काउंट कर रहा है। उसके अंदर में वो मैसेज या तो ट्रांसमिट हो जाना चाहिए या तो फिर उसके अंदर में वो रिसीव हो जाना चाहिए। ये मैक कंटेंशन रिसोल्यूशन टाइमर है दोस्तों। ये मैक कंटेंशन रिसोल्यूशन मैं किसी नेक्स्ट दिन क्लास में आपको, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैक कंटेंशन रिसोल्यूशन टाइमर क्या है। अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज अगर इस पे मैक्सिमम कमेंट आए तो मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों BCCH कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनोड भी कॉन्फ़िगर करता है कि किस हिसाब से उसको डेटा ट्रांसमिट, लाइक अगर मैसेजेस ट्रांसमिट करवाना है। PCCH कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमको पता चलता है कि पेजिंग साइकिल क्या है। पेजिंग पे भी मैं आप लोगों को क्लासेस बता बनाऊंगा उसको बताऊंगा एग्जैक्टली कि पेजिंग में होता क्या है, कैसे पेजिंग फेच होता है, कैसे यूवी पेजिंग डिकोड करता है। तो ये सब सारी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों। और भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों जिसको बोलते हैं PRECH कॉन्फ़िगरेशन। तो PRECH कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को दिख रहा है कि रूट सीक्वेंस इंडेक्स है, PRECH कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स है, हाई स्पीड फ्लैग है, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन है, PRECH फ्रीक्वेंसी। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पीड फ्लैग और रूट सीक्वेंस इंडेक्स, इन तीनों को मिला के यूवी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ZF2 सीक्वेंस। तो उन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। तो उस फॉर्मूले को मैं इन तीनों चीजों को यूज करके यूवी प्रियम्बल्स कैलकुलेट करता है। तो वो भी यहाँ पे इनोड बी के थ्रू थ्रू SIB2 के थ्रू यूवी को सेंड कर दिया जाता है और इनोड बी सेंड करता है। ये हाई स्पीड फ्लैग क्या है दोस्तों? ये हाई स्पीड फ्लैग तब इनेबल होता है जब आप बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप मूव नहीं, आपका मोबाइल मूव कर रहा है आपके साथ साथ, राइट? तो जब वो बहुत फास्ट मूव करता है आपके साथ साथ तो ये फ्लैग इनेबल हो जाता है। इसके भी डीपली बहुत सारे कंसेप्ट हैं क्यों इसको हम यूज करते हैं, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे चीज को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों
उसके बाद पीडीएसएच कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अभी नहीं देखेंगे, पीयूएससीएच हम नहीं देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सीधा आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है बट सब चीज़ जानने की आपकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही जानने की ज़रूरत है ताकि आप इंटरव्यू में बोल सकें कि मैंने ये चीज़ें देखी है, मैंने ये चीज़ पे काम किया है। यूवी टाइमर एंड कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरह तरह के टाइमर है, उनके वैल्यू मिली सेकेंड में दिया हुआ है। जैसे T300 टाइमर है दोस्तों, जो ये आरआरसी कनेक्शन सेटअप पे स्टार्ट होता है, आई मीन सॉरी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट पे स्टार्ट होता है, और आरआरसी कनेक्शन सेटअप या आरआरसी कनेक्शन रिजेक्ट पे ये क्लोज हो जाता है। T301 टाइमर है दोस्तों, जो आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे स्टार्ट होता है, आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट आइदर रिजेक्ट और रीस्टेब्लिशमेंट पे वो बंद हो जाता है, लाइक क्लोज हो जाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे बहुत तरह के टाइमर दिए हुए हैं दोस्तों, जिन टाइमर्स के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे ये टाइमर काम करते हैं। तो ये T310, T311, ये दोस्तों ये टाइमर्स हैं। ये जनरली जो टाइमर्स हैं दोस्तों, ये 5 लेयर के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, और उसके अनुसार अगर अगर मान लीजिए T310 टाइमर तो 5 लेयर पे वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो स्टार्ट हो जाता है। T311 जो टाइमर है दोस्तों, वो आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर में उस चीज को वो ये करता रहता है कि वो अगर आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट हुआ, अगर वो किसी और रैट को सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर वो एक्सपायर हो गया तो आरआरसी आइडल जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सब चीजें वो काउंट करता रहता है दोस्तों। ये N1 N2 ये नंबर्स ऑफ काउंट है कि इतनी बार अगर 5 लेयर डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम तो वो स्टार्ट होगा। तो दिस आर द थिंग्स लाइक आप लोगों को पता रहनी चाहिए। और ये एग्जैक्ट ऐसे हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पे वो ऑलरेडी डिकोडेड है बट यूवी को इस फॉर्मेट में मिलता है, तो आप लोगों को भी इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा दोस्तों कि हम बेसिकली क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर रैच किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रैच अगर फेल हो रहा है, तो सबसे पहले आप इस चीज को देख सकते हैं कि नंबर हमारे प्रीएम्बस कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप देख सकते हैं कि पावर रैंपिंग स्टेप कितना है, अगर 2 dB है, 4 dB है, 6 dB है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप मिनिमम मिनिमम पावर लाइक 2 dB आप पावर इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद रैच इनिशिएट कर, तो दैट इज अ गुड प्रोसेस। अगर 4 dB कर रहे हैं तो वो आप नहीं, क्योंकि आप सडनली ज्यादा पावर इंक्रीज कर दे रहे हैं, आपको अननेसेसरी हो सकता है कि उतना पावर की जरूरत ही नहीं है, तो आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपने रैच अटेम्प्ट कर रहा एक बार किया, दूसरी बार कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर ये वैल्यू कितनी है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि रैच रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये टाइमर कितना है। अगर ये टाइमर बहुत छोटा है, जिस टाइम के अंदर में वो आ नहीं रहा, तो रैच फेल हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। पेजिंग साइकिल क्या है ये आपको पता रहनी चाहिए, नहीं तो यूवी को इनोड भी पेज किस टाइम पे कर रहा है ये आपको पता नहीं चाहिए। ये सब चीजें हैं दो जो हम बेसिकली SIP2 के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बताने की ये कोशिश किया दोस्तों कि कैसे हम MIB1 को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम SIP1 को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम SIP2 को एनालाइज कर सकते हैं, और वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और किस किस इश्यूज पे हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ये आगे आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इंटरव्यू में ये सब चीजें बता सकते हैं कि हम ये चीज एनालाइज करते हैं, अगर छोटी छोटी इश्यूज आती हैं। तो आगे भी मैं एनालिसिस के वीडियो अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोगों को जॉब लेने में बहुत ही हेल्प हो, और आप लोग बहुत ही आराम से बिना कहीं पैसे दिए हुए, बिना किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए, सिर्फ मेरे वीडियो को आप लोग देखें और वहां से आप जॉब ले लें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन लोगों की जॉब लग रही है वो प्लीज कमेंट करें ताकि और भी लोग उससे इंस्पायर हो और मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।